ये प्रभु आप तो कौन हैं? हरि हैं। मेरे अहंकार को हरिए, मेरे क्रोध को हरिए, मेरे काम वासनाओं को हरिए, मेरे लालच को हर लीजिए। लोगों में बड़ा लालच होता है, हैं? एक व्यक्ति था, बहुत लालची था। मंदिर तो आता था, लेकिन मंदिर में उसकी इच्छा भजन की नहीं थी। उसकी भजन की इच्छा की बजाय इच्छा थी माताओं के और प्रभु के गले में कभी कभी वो होते ना सोने के कंठहार, लॉकेट, चेन। तो देखता था जब कोई दंडवत करता है तो उसकी चेन लटक जाती है। कहता था ये तो बड़ी अच्छी जगह है, हे द्वारकाधीश तूने सुन ली। यहां पर तो मुझे क्या मिलेगा? चेन मिलेगी सोने की। और जब कोई व्यक्ति दंडवत करता था तो उसको बोलता था भगवान को पूर्ण दंडवत करिए आंख बंद करके, तो सोचते थे सच में कोई पुजारी होगा। पूर्ण दंडवत करता था तो माताओं की तो चेन निकाल लेता था और प्रभु लोगों की पीछे से पॉकेट निकाल, और उसमें से फिर पैसे से धीरे धीरे रईस होने लगा। तो हमेशा लोग बोलते थे बड़ा भारी भक्त है, क्योंकि हमेशा क्या बोलता है, द्वारकाधीश सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया यहाँ आराम हो रहा है। मैं तो कोई काम धाम करता नहीं हूँ, आराम करता हूँ और आराम आराम में ही पैसे दूसरों के यूज करता हूँ। तो इस प्रकार से वो करता था। अब बोला कि अकेले थक गया हूं, एक पत्नी होती साथ में, दोनों मिलके करते हैं। तो ऐसी एक लेडी मिली उसको, उससे पूछा चर्चा करके, तुम करो? कह रहे मैं भी यही करती हूँ। तुम भी यही करते? चलो दोनों साथ में जुड़े जाते हैं, है ना, वो चट्टे बट्टे के थैली के चट्टे बट्टे, दोनों जुड़ गए और दोनों पति पत्नी साथ में मिलकर के अब डिवाइड कर लिया, माता माता तेरी, प्रभु प्रभु तेरे। वो माताओं का ले लेती थी, वो प्रभु का ले लेते थे, और दोनों का ऐसे ही चलता रहा। अब दोनों के घर में पुत्र अभिलाषा प्रकट हुई और बोले एक बच्चा होना चाहिए और वो हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाए। परंपरा को आगे बढ़ाने वाला पुत्र चाहिए, कैसे मिलेगा? तो भगवान से बोले, हे द्वारकाधीश एक ऐसा बालक देना जिसकी बुद्धि और हाथ की सफाई अच्छी हो। तो ना अलग अलग प्रार्थना है ना, अभी पड़ी 10 प्रकार की प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना भी लोग करते हैं। हाथ की सफाई अच्छी हो, बुद्धिमान हो, किसी को मालूम ना पड़े और हमारी परंपराएं आगे बढ़े। दोनों पति पत्नी ने किया, बच्चा पैदा हुआ। पैदा हुआ तो देखते हैं कि बच्चे को उन्होंने कहा टॉफी लोगे, ये लोगे, वो लोगे, और बच्चा तो ऐसे मुट्ठी बंद दोनों। तो कह रहे ये तो बच्चा कैसा हुआ है, डॉक्टर देखिए बच्चे के तो हाथ ही नहीं, अगर हाथ ही नहीं खुलेंगे तो चोरी कैसे करेगा, और चोरी नहीं करेगा तो हमारी परंपरा कैसे बढ़ेगी, तो अपमान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान ने भक्त भेज दिया हमारे घर में जो कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाथ बंद है। अच्छा तो डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने ट्राई किया खींच करके लेकिन नहीं खुला। कह रहा है ये तो इसके हाथ खराब है, हैंडीकैप्ड है, पैरालाइज्ड है इसकी बॉडी बचपन से। तो अच्छा क्या करें? कह रहे किसी पुजारी को बुलाओ। तो किसी ज्योतिष विद्या वाले को बुलाया, उसने कई प्रकार के मंत्र उच्चारण किए, ओम क्लीम क्लीम कुट कुट पिट पिट सब किया, फिर भी हाथ नहीं खुले। बोले तो हाथ नहीं खुल रहा। फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, बोले डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने चुटकी बजा, ऐसे कर ऐसे ऐसे खूब सारी की, फिर भी नहीं खुल रहा। कह रहे क्या हो गया? बहुत दोनों आंखों में आंसू भर के रो रहे, द्वारकाधीश ये क्या कर दिया, भक्त दे दिया हमको। ऐसे होते ना बच्चों के माता पिता जो भजन करते वो रोते हैं, कह रहे अरे हमारा बच्चा भक्त बन गया, अरे राम कौन सा मनुष्य दिन था इसने हरिनाम पकड़ लिया। तो लो वो भी रो रहे दोनों के दोनों, कह रहे हे द्वारकाधीश हमने तो आपसे क्या मांगा था, तुम तो सबकी इच्छा पूरी करते। तो एक भक्त के पास बोला किसी ने कि ना वो इस्कॉन द्वारका में ना काउंसलिंग होती है, वहां चले जाओ। तो इस्कॉन द्वारका के काउंसलिंग वालों के पास आए, बोले ये व्यक्ति बता सकते हैं कैसे आपके बच्चे के हाथ खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखो बच्चे का ना एक प्रवृत्ति होती है बचपन से ही, संस्कार लेकर आता है अपने साथ में ना पिछले जन्मों से। तो इसके सामने अगर आप कुछ ग्रंथ रख दो, भागवत और सोने का हार रख दो, तो ये तुरंत अगर आपका वैसा ही बच्चा होगा जैसा आप चाहते हैं तो ये तुरंत सोने के हार को कैप्चर करेगा, प्रभुपाद जी ने जैसे भागवत को कैप्चर कर लिया था बचपन में। तो उन्होंने छोटे से बच्चे के मुट्ठी बंद थी और उस बच्चे के सामने एक सुंदर रत्न जड़ित एक हार लटकाया ऐसे, जैसे बच्चे के सामने से टिंग 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 किया, बच्चे ने तुरंत ऐसे करके हार को पकड़ लिया। जैसे हार को पकड़ा तो क्या हुआ, मुट्ठी खुल गई, मुट्ठी खुली तो उसमें से एक अंगूठी निकली। तो नर्स खड़ी थी वहां पर, कहती ये तो मेरी है। बिना ट्रेनिंग के ही पैदा होते ही निकाल लिया था वो। पैदा होते ही निकाल लिया था, माँ बाप दुखी हो रहे थे,
बड़े खुश हुए, मिठाइयां बांटी, बोले अरे इसको तो सिखाने की जरूरत नहीं है, मछली के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता है, देखो कितना अच्छा बच्चा आया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि माता पिता भजन करें तो बच्चों में अपने आप ही भजन की भावना आएगी, या फिर गुरु भजन करें तो शिष्यों में भजन की भावना आएगी। तो बहुत जरूरी है, लेकिन लोग लालच लोभ काम त्यागते नहीं है। भगवान से ही मांगना चाहिए कि प्रभु आप हमारा काम हर लो, लोभ हर लो, लालच हर लो। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, क्या कहते हैं, नाशन प्राण आत्मा नाशनम, नाश कर देते हैं आत्मा का, नाशन आत्मन काम क्रोधस लोभस तथा तस्मात एतम त्रयम त्रजेत। इन तीन को जीत ले कोई व्यक्ति, उसका रोड चेंज हो जाएगी। ऐसे होती है ना, एक ट्रैफिक वाली रोड, एक हाईवे वाली रोड। अगर कोई व्यक्ति काम क्रोध लोभ को जीत ले तो फिर उसको सही रोड मिलेगी, अन्यथा हाईवे तो मिल जाएगा लेकिन नर्क का हाईवे है। कह त्रिविधम नरकस इदम द्वारम, ये तीन गेट बने हुए हैं, यहां से जाओ हाईवे, वेलकम काम, वेलकम क्रोध, वेलकम, ऐसे वेलकम करेंगे, बोलते ना आपका स्वागत करते हैं, तो नर्क का द्वार आपका स्वागत करेगा अगर आप काम क्रोध लोभ ये तीन चीजें रखते हैं जीवन में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update.